नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत शर्मा है। मैं आज आप सभी लोगों को ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ हिंदी के माध्यम से। आज का मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है हेल्थ का मूल मंत्र, अच्छी हेल्थ कैसे हम प्राप्त करें। बहुत से पेशेंट मेरे पास रोज आते हैं ओपीडी में, उनका यही प्रश्न होता है कि हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं, हम कैसे अपने शरीर को मजबूत बनाएं। कई पेशेंट्स को बहुत सी स्किन की बीमारियां रहती है, चर्म रोग, तो वो कैसे ठीक हो। और बहुत से लोगों को परेशानी होती है कब्जी की, जो कि बहुत ही विकट समस्या है हमारे हिंदुस्तान में। बहुत से लोगों को हाथ पैरों का दर्द होता है। तो इन सभी के बारे में मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो मेरी थ्योरीज हैं, जो मेरी ट्रायल्स हैं और जिन कॉन्फ्रेंसेस में मैं गया हूँ वहां पे क्या डिस्कशन होता है। मैं देश विदेश में कई जगह पे गया हुआ हूँ, वहां पे सब जगह एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, वो है लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल हम कैसे सुधारें, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें इन सब चीजों से बचें, जिससे हम कम से कम डॉक्टर के पास जाएं। तो मेरा मानना यह है कि हमें सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पीना चाहिए। 1 लीटर पानी पीने से हमें बहुत फायदे होंगे और ये हमें रोज करना होगा। इसकी परवाह ना करें कि हमने ब्रश किया है या ना किया है, पर सुबह उठते ही 1 लीटर पानी जरूर पिए। उसके बाद हमें नाश्ता करना चाहिए, लंच करना चाहिए और डिनर करना चाहिए। ये अंग्रेजों के बनाए हुए नियम है, सुबह का खाना, दिन का खाना लंच और रात का खाना डिनर, जो कि बहुत सही है। और उसके बीच बीच में हमें एक इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील्स, वो लेने चाहिए। उसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। इससे मतलब ये है कि अगर हम 6 घंटे से ज्यादा भूखे रहते हैं तो हमारे शरीर में कुछ प्रोसेस चालू होते हैं, जैसे कि लीवर ग्लूकोज को तोड़ने लगता है, इसको बोलते हैं ग्लूकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना लीवर के द्वारा और नया ग्लूकोज बनाने लगता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को हम ज्यादा ना करा के अगर हम धीरे धीरे हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ लेंगे, जैसे 100 ग्राम हमने अनार खा लिया, हमने 1 कप चाय बिस्किट ले लिया हर 2-3 घंटे में, फिर हमने लंच कर लिया, फिर हमने कभी छाछ ले ली, तो इससे क्या फायदा होगा हमें कि हमारा हड्डियों का दर्द हमें नहीं होगा, हमारा स्किन का प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ऊपर हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा फॉलो करेंगे तो हमारा ना वजन बढ़ेगा ना वजन घटेगा, हम एक न्यूट्रल हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे जो मुख्य समस्या है वो है एब्डोमिनल ओबेसिटी, पेट का भार आना। अगर हम देखें तो विदेशों में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुबह सुबह हमें सबसे पहले 1 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। 3 से 5 किलोमीटर 40 साल से ऊपर वालों को पैदल चलना जरूरी है तेज, और अगर जैसे 25 और 35 साल के लोग हैं तो वो थोड़ा ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जिसे कहते हैं तेज तेज चलना, और अगर 18 से नीचे हैं या 25 तक हैं तो वो रनिंग भी कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नाश्ते के बाद प्रश्न आता है कि हमें क्या करना चाहिए। नाश्ते के बाद हमें वार्म वाटर पीना चाहिए, बॉइल वाटर, जो कि वार्म हो, ना कि बहुत ज्यादा गर्म हो ना बहुत ठंडा हो। उससे हमें क्या फायदा होगा, नाश्ते के 40 मिनट के बाद पानी पीने से और दिन के खाने के 40 मिनट बाद पानी पीने से और रात के खाने के 40 मिनट बाद पानी पीने से, उससे ये होगा कि जो हम पानी पिएंगे वो हमारी आंतों तक जाएगा, हमारे स्टोमक तक जाएगा, और ये वार्म वाटर क्या करेगा, हमारे एडिपोज टिश्यू को भी डिजोल्व करता है। तो ये हमें बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। और एक मुख्य बात और हमेशा ध्यान में रखें, कभी भी खड़े होके पानी ना पिए। खड़े होके पानी पीने से क्या होता है, जैसे कि आयुर्वेदा में एक चीज बताई हुई है वाता, उससे क्या होता है हमारा जोर दर्द ये सब चालू होते हैं। तो इसलिए हमेशा जब कभी भी हम पानी पिए हमें बैठ के ही पानी पीना चाहिए। ये मेरे कुछ थ्योरियां हैं, जो भी लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं उनको बहुत सी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। मैं एक एलोपैथी एमडी फिजिशियन एमबीबीएस डॉक्टर हूं, पर फिर भी हमें और हमारी न्यू गाइडलाइन जो अमेरिका में चलती है स्टडीज, उन सब में ये बताया जाता है कि हमें डाइट का मुख्य रोल है। तो अब पूछा जाए तो कैसे करें, तो मैं एक समरी में आपको बताना चाह रहा हूं। सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पिए, फिर आप 7-7:30 बजे 1 कप चाय कॉफी ले लें, और उसके बाद आप वॉकिंग एक्सरसाइज करके घर पे वापस लौटें। 8:30-9 बजे के बीच में कोई फल ले लें 100-200 ग्राम तक, फिर उसके बाद नाश्ता ले लें 8:30-9 बजे तक, और 11:30
बजे तक आप कोई फल लें 100 ग्राम, तो इससे पेट नहीं भरता है। दिन में लंच करें, लंच में जैसे 2 चपाती ले ली, खूब सारा सलाद ले लिया, खीरा ककड़ी मूली गाजर टमाटर प्याज, उसके बाद आप 5:30 बजे चाय कॉफी ले लें और फिर रात को आप डिनर ले लें और सोते समय 1 गिलास दूध का लेके सोएं। तो मेरा आप प्रश्न है आप सभी डॉक्टर्स से कि अगर कोई भी आपको प्रश्न है या किसी भी प्रकार का मेरे इस लेक्चर में डाउट है या कोई भी प्रश्न है तो कृपया मुझसे आप प्रश्न पूछें। कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे आप? यस सर, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, कैमरा आप उनकी तरफ कीजिए। हाँ, कि सुबह बिना कुल्ला करे भी पानी पी सकते हैं सुबह उठकर 1 लीटर? हाँ बिल्कुल, आपका प्रश्न एकदम बहुत अच्छा है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सुबह आप 1 लीटर पानी पी सकते हैं। उसका कारण ये है कि बिना ब्रश करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे माउथ में अल्कलाइनेटिंग एजेंट होता है, कुछ फ्लोरा होते हैं, और स्टोमक में हम बात करें तो एसिडिक होता है। तो अगर हम 1 लीटर पानी पीते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है हमारी बॉडी का, मतलब वो उससे घुल जाता है। और वैसे भी मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि जो पानी का पीएच होता है वो 8.5 से लेकर 9.5 तक होना चाहिए, और अगर हम बात करें हमारे खून मतलब ब्लड के पीएच की तो वो पीएच होता है 7.35 से 7.45 तक। तो ये जो पानी का पीएच है वो ब्लड के पीएच के साथ भी मिल जाता है और डिजोल्व हो जाता है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, ऐसा प्रूफ भी हो चुका है। तो धन्यवाद पार्ट लेने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और मैं यही कहना चाहूंगा सभी से, सभी जो मेरा लेक्चर ऑनलाइन देखते हैं उनसे, अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से प्रश्न पूछें, मैं आपको उत्तर हमेशा दूंगा। मेरे सारे लेक्चर इंग्लिश में हैं, पर कुछ लेक्चर मैंने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए हिंदी में बनाए हैं जिससे उनको फायदा मिले। और ये मेरे से डिमांड की गई कि हेल्दी लाइफस्टाइल है क्या, इसका मूल मंत्र क्या है, जो मैंने आपको बताया वही मूल मंत्र है, और इसका ही आप सेवन करें। घर में आरओ लगवाएं, वो आरओ का पानी पिए, और अगर बहता हुआ पानी जैसे हम बात करें गंगोत्री की, तो वो बहुत ही अच्छा पानी है, बहुत ही शुद्ध पानी है। देखा गया है पाकिस्तान में भी कोई जगह है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, वो वहां पे भी बहुत शुद्ध पानी है और बहता हुआ पानी हमेशा साफ होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और आपके कमेंट्स हो तो प्लीज कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज पुट लाइक ऑन माय वीडियो। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।